नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न कार्यक्रमों में किए शिरकत। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। शुक्रवार को जनता दर्शन कर दोपहर बाद लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। सीएम योगी ने सहजनवा तहसील अंतर्गत पिपरा में 64 करोड़ 8 लाख की लागत से 12 एकड़ क्षेत्र में बन रहे अटल आवासीय विद्यालय का किया स्थलीय निरीक्षण। कहा, मानक के अनुरूप होने चाहिए कार्य। यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध की जाए कठोरतम कार्यवाही। जिला जेल के पीछे निर्माणाधीन फोर लेन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। कहा, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखते हुए निर्धारित समय में पूरा करें कौआबाग बरगदवा फोर लेन का निर्माण। खोराबार क्षेत्र में हुए तेहरे हत्याकांड की जांच के लिए एसएसपी ने बनाई एसपी सिटी व एसपी साउथ के नेतृत्व में जांच कमेटी। सभी बिंदुओं पर करेगी जांच। रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी विधिक कार्यवाही। गुरुवार को सेवायोजन कार्यालय गोरखपुर मंडल में फायरिंग करने वाले उसी कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक रिवॉल्वर व एक खोखा कारतूस, 5 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। आईसीएसई व सीबीएसई स्कूलों की मान्यता के लिए एनओसी को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की बैठक। बैठक में गोरखपुर मंडल में 3 स्कूलों को दिया गया एनओसी। मंडलायुक्त ने दी जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा केंद्रों पर खड़े परीक्षार्थियों के वाहनों की डिग्गी का लॉक तोड़कर मोबाइलों की चोरी करने वाले एक शातिर चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 4 मोबाइल व स्कूटी किया बरामद, भेजा जेल। और 30 अप्रैल से 2 मई तक आयोजित होगा गोरखपुर विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन। कुलपति राजेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वप्रथम सहजनवा में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उसके बाद सर्किट हाउस के पास स्थित एक प्राइवेट लैब का लोकार्पण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से कार द्वारा जेल बाईपास रोड बन रहे फोर लेन व गोड़धोया नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां पर उपस्थित अधिकारियों के कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए निर्देश दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए, जहां पर पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। उसके उपरांत अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में करेंगे और शुक्रवार को मुख्यमंत्री जनता दर्शन कर जनता की समस्या को सुनेंगे और दोपहर बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहजनवा तहसील अंतर्गत पिपरा में 64,08,00,000 की लागत से 12 एकड़ क्षेत्र में निर्मित हो रहे अटल आवासीय विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया तथा प्रोजेक्ट के विस्तृत अवलोकनोपरांत निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत शत प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिए जाए और कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता की जांच अवश्य कराई जाए, कार्य मानक के अनुरूप होने चाहिए और यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा को निर्देश दिए कि गीडा में उद्यमों की समस्याओं का समयबद्ध एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण सुनिश्चित करें तथा निवेशकों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि जनपद में अधिकाधिक निवेश हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि उद्यमियों के साथ निरंतर संवाद स्थापित किया जाए एवं माह में एक बार अवश्य बैठक आहूत की जाए। संवाद से समस्याओं को समाधान सुगम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों के साथ संवेदनशील एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार अपनाया जाए, विकास कार्य में कहीं भी विलंब लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सहजनवा पॉलिटेक्निक सैनिक स्कूल, आयुष विश्वविद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेस लिंक वे आदि के निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस लिंक वे पर अर्थवे के कार्य को बरसात के पूर्व करा लिया जाए ताकि बरसात में निर्माण कार्य प्रभावित न हो। सहजनवा पॉलिटेक्निक के संबंध में बताया गया कि इस साल में कार्य पूर्ण हो जाएगा। यह भी बताया गया कि अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य 23 जून 2021 से प्रारंभ हुआ है, जिसे सितंबर 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय का उद्देश्य उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण क्रम का कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के कुल 1000 बालक बालिकाओं एवं अनाथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किया जाना है। बताया गया कि विद्यालय शिक्षण भवन में प्रशासनिक भवन, छात्रावास, बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक मेज सहित खेल मैदान, इंडोर स्पोर्ट्स, कंप्यूटर कक्ष इत्यादि आवश्यक एकेडमिक प्रशासनिक सुविधाओं से युक्त होगा। सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों के आयोजन हेतु एक ओपन थिएटर, परिसर की देखरेख हेतु सुरक्षा टीम, सीसीटीवी कैमरे आदि की व्यवस्था के साथ ही एकेडमिक ब्लॉक में छात्र छात्राओं की सहशिक्षा अत्याधुनिक शिक्षण तकनीक से स्मार्ट क्लासेस युक्त होगा। इस अवसर पर सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा आदि उपस्थित रहे। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेल बाईपास पर बन रहे फोर लेन व गोड़धोया नाले का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने कहा कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखते हुए कौआबाग बरगदवा फोर लेन का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने प्रशासन व कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को यह निर्देश कौआबाग बरगदवा फोर लेन के निरीक्षण के दौरान दिए। गुरुवार शाम उन्होंने 196 करोड़ रुपए की लागत से 8.56 किलोमीटर की लंबाई में निर्माणाधीन फोर लेन सड़क का निरीक्षण किया, साथ ही प्रोजेक्ट मैप का विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में समयबद्धता और गुणवत्ता अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। इस फोर लेन का निर्माण 30 जून तक अवश्य पूर्ण हो जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने खुद भी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को देखा। निरीक्षण के दौरान पार्षदों ने कुछ संशोधन करने की बात की, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति जताई है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, कमिश्नर रवि कुमार एनजी, डीआईजी जेवर रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, थोड़ा सा दिया।
ते सारी गाड़ियां सब डर रही बोलो गाड़ी आगे लगा या नहीं लगा सर थोड़ा सा आप गाड़ी निकले ना यही रहो यहीं पे रहिए आप हाँ ठीक झटका मत दीजिएगा आगे मत जाओ यार आगे जाओ भाई आगे सटिए लंबे साहब अजय भैया किनारे सर पहले तक यहाँ पे जो नाला पड़ता है गुरुद्वारा नाला उसमें क्या किया आगे एक कहाँ पादरी बाजार तक कंप्लीट हो गया पादरी बाजार टीवी हमने शुरू कर दिया है टीवी हम कर लिया पादरी बाजार तक ठीक है उसके आगे कर रहे हैं ये जो है ये फारू भी बनाया गया यहाँ पे फारू भी नहीं चौराहे पर करेंगे चौराहा बनाएंगे और यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज यहाँ क्या बनाएंगे यहाँ पे आरोपी वगैरह का कोई उसका नहीं किया गया फिर आगे हम करीनगर तो बाद हम आरोपी सर हमारा बन रहा है ये काम प्रारंभ हुआ ये सर काम हो गया सर ये कब तक हो इसमें 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 डबल हो जाएगा एक यहाँ आएगा एक और ये जो फर्टिलाइजर के इस तरह ऐसा जाएगा उसी ढंग से बना ये सब उसी ढंग से और फिर ये आगे यहाँ तक आगे बरगदर साइड में अभी शुरू नहीं है सर उस साइड से शुरू होकर आ रहा है चिल्ला ठीक है कब तक इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे सर यहाँ तक जून तक टारगेट हमारा पूरा कर देंगे वो वाला 2023 तक ये यहाँ तक सितंबर 2023 तक यानी ब्रिज के पहले तक आप लोग इसको इसी जून में कम्प्लीट हो जाएगा और फिर ये ब्रिज को बनने वाला बने एक साल तक क्या सर रेलवे से वो मिल गया इसका एनर्जी ठीक है सब कुछ हो गया सर सभी काम चल रहा है 40% काम हो गया ठीक है इसमें जो ड्रेनेज दोनों तरफ दे रहे हैं एक तरफ से यूटिलिटी डक दे रहे हैं आपका जो सबसे खराब वो है कि यूटिलिटी डक जो बनाते हैं वह ड्रेन से नीचे बनाते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम हमें डिजाइन ठीक है वो वाले ठीक है हमने कम किया है कि ठीक है तो इसको इस रूप में तैयार कर रहे हैं मोतीपुर में कोई प्रॉब्लम उसको ठीक कर एक तो इसको ठीक कर दूसरा ये ड्रेन ओपन न रहे अभी से कवर करने की इसकी तैयारी हो जाए इसको देखकर लाइट का भी है सर और डिवाइडर का भी है ठीक है लेकिन और दो मिनट जाए तो बोले पानी चढ़ेगा लेकिन पानी के लिए तो अलग से व्यवस्था है उसका एक सर्वे करवा कर नगर निगम और ये बना करके एक अलग से आज मुख्यमंत्री जी ने
जलपाई पास रोड का निरीक्षण किया है और पूरे प्रोजेक्ट को समझा है। कुछ हमारे पार्षदों ने इसमें कुछ संशोधन करने की बात कही है, उसको भी महाराज जी ने समझा है और आवश्यक निर्देश दिए गए। जेल पाई पास रोड बन जाने से यहाँ के आम जनता को काफ़ी फायदा होगा और मेन रोड पर भीड़ कम हो जाएगी। ये रोड बरगदवा तक जाएगा, ये पादरी बाजार बरगदवा ये सब को जोड़ करके राष्ट्रीय मार्ग में चला जाएगा, जो मार्ग सुनावली तक जाता है। इससे जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। ये प्रोजेक्ट बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, जिसे महाराज जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है और जल्द ही ये काम सभी बरसात के पहले पूरे हो जाएगा, जैसा महाराज जी का निर्देश। SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने खोराबार में तिहरे हत्याकांड की जांच के लिए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई व SP साउथ अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित किया है, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि खोराबार की घटना में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिसे FIR में परिजनों द्वारा नामजद किया गया था। तथ्य की तह में जाने के लिए सभी बिंदुओं की जांच के लिए 2 SP की जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें SP सिटी और SP साउथ की संयुक्त टीम बनाई गई है, जो इस प्रकरण की जांच करेगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, औराबार में घटित घटना में हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जो की FIR में परिजनों द्वारा नामजद किया गया था। इसमें कुछ अन्य साक्ष्य भी सामने आए हैं, जिसके तहत जानकारी की जा रही है और इसमें हमने प्रकरण में जांच के लिए 2 SP की कमेटी बनाई है, जिसमें कि SP सिटी और SP दक्षिणी दोनों संयुक्त टीम बनाई गई है, जो कि इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी और इसमें जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कैंट पुलिस ने सेवायोजन कार्यालय में फायरिंग करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को कूड़ा घाट से करीब 300 मीटर दूर एम्स बाउंड्री के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान ब्रिजेश कुमार सिंह पुत्र शिव पूजन सिंह निवासी घोष कंपाउंड बशारतपुर अशोकनगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देसी रिवाल्वर, एक खोखा कारतूस व 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 28 अप्रैल को सहायक निदेशक सेवायोजन गोरखपुर मंडल गोरखपुर द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके कार्यालय के वरिष्ठ सहायक ब्रिजेश कुमार सिंह पुत्र शिव पूजन सिंह निवासी 156 घोष कंपाउंड अशोकनगर बशारतपुर गोरखपुर द्वारा गुरुवार को 10:15 बजे नशे की हालत में कार्यालय में आए तथा आते ही स्थापना लिपिक आनंद त्रिपाठी से गाली गलौज करते हुए उलझ गए तथा अपने निजी पिस्टल से गोली चला दिए। यदि गोली किसी को लगी होती तो उसकी जान जा सकती थी, जिसकी तहरीर पर कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया और ब्रिजेश कुमार सिंह पुत्र शिव पूजन सिंह को गिरफ्तार जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, कलेक्टर चौकी प्रभारी महेश कुमार चौबे, हेड कांस्टेबल कमलेश सिंह यादव, कांस्टेबल गोविंद कुमार शामिल रहे। मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने ICSE व CBSE स्कूलों की मान्यता के लिए NOC को लेकर कैम कार्यालय में बैठक की, जिसके संबंध में मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने बताया कि CBSE व ICSE स्कूलों के NOC के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें पूरे मंडल से 8 प्रस्ताव आए हुए थे, जिसमें 1 ICSE के लिए व 7 CBSE के लिए आया था। उसमें 5 गोरखपुर मंडल से और 1 देवरिया मंडल, 2 कुशीनगर से आया था। उन्होंने कहा कि बैठक में 3 विद्यालय को NOC दी गई है और बचे 5 विद्यालय के लिए वहां के मजिस्ट्रेट DIOS विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और जो भी कमी है उसको दूर कराकर फिर दोबारा रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। इस अवसर पर DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, CRO सुशील कुमार गौड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने कहा, तो फिर कौन विजिट किया?
स्कूल का इंटीरियर का फोटोज कहाँ है? लाइव का फोटो है, देख लेंगे सर एक बार। कौन सा तहसील का है? एक बार एसडीएम और मौके पे जाके इनसाइड थिंक इसका भी फोटो लगा दे, ठीक है? वो सब लगा करके प्रस्तुत करें, हम लोग उसको देख लेंगे। कुशीनगर के दो प्रकरण है, एक हमें रिपोर्ट नहीं आई है, तो बाल हुकुम शर्मा जी हैं जो बना रहे हैं अपनी हालत में। कौन है ये? ये सर आरएसएस के एक राष्ट्रीय स्कूल अभी कंप्लीट नहीं है। लैब गिव का इंस्पेक्शन मतलब कोई चीज के कितने क्लास तक का आप दे रहे हैं? तक इसका कौन आएगा? आप क्या है चार यह सेंट्रल अकेडमी सीबीएसई की है सर। पिछली बार इनकी मानी बारिश को नहीं हो पाई थी कि आपसे मिले दिन थे, तो आपने कहा था कि उनका देख लीजिए केवल लाइब्रेरी में सर इनकी कमी थी थोड़ी और उनका मानक पूरा था, लाइब्रेरी में थोड़ी कमी उनका नहीं होता। लाइब्रेरी का माना काफ़ी बड़ा कमी है सर, सीबीएसई में 112 स्क्वायर मीटर कर दी है, तो वो उतना मानक का नहीं था। इन्होंने अपना एक कमरा इसका ओनर कौन है? सर बैठक हुई सर, किस नंबर की? आज सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का स्कूलों की एनओसी के लिए एक बैठक था कि पूरे मंडल में करीब 8 प्रस्ताव आए हुए थे, उसमें एक आईसीएसई के लिए और 7 सीबीएसई के लिए था। उसमें 4 गोरखपुर मंडल से, 1 देवरिया मंडल से और 5 गोरखपुर से, 1 देवरिया से और 2 कुशीनगर मंडल के थे, मतलब जिले के थे। तो उसमें अभी तीन स्कूलों का परमिशन हमने दे दिया है और बचे हुए 5 के लिए कि वहाँ की मैजिस्ट्रेट और DAOS स्थल का निरीक्षण करेंगे और कुछ जो डाउट्स हम लोगों का है उसको निराकरण करने के बाद फिर प्रस्तुत करेंगे, फिर उसका NOC दिया जाएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न कार्यक्रमों में किए शिरकत। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। शुक्रवार को जनता दर्शन कर दोपहर बाद लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। सीएम योगी ने सहजनवा तहसील अंतर्गत पिपरा में 64,08,00,000 की लागत से 12 एकड़ क्षेत्र में बन रहे अटल आवासीय विद्यालय का किया स्थलीय निरीक्षण। कहा मानक के अनुरूप होने चाहिए कार्य, यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध की जाए कठोरतम कार्यवाही। जिला जेल के पीछे निर्माणाधीन 4 लेन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। कहा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखते हुए निर्धारित समय में पूरा करें कौआबाग बरगदवा 4 लेन का निर्माण। खोराबार क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड की जांच के लिए SSP ने बनाई SP सिटी व SP साउथ के नेतृत्व में जांच कमेटी। सभी बिंदुओं पर करेगी जांच, रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी विधिक कार्यवाही।
गुरुवार को सेवायोजन कार्यालय गोरखपुर मंडल में फायरिंग करने वाले उसी कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक रिवाल्वर व एक खोखा कारतूस, 5 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। आईसीएसई व सीबीएसई स्कूलों की मान्यता के लिए एनओसी को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की बैठक। बैठक में गोरखपुर मंडल में 3 स्कूलों को दिया गया एनओसी, मंडलायुक्त ने दी जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा केंद्रों पर खड़े परीक्षार्थियों के वाहनों की डिग्गी का लॉक तोड़कर मोबाइलों की चोरी करने वाले एक शातिर चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 4 मोबाइल व स्कूटी किया बरामद, भेजा जेल। और 30 अप्रैल से 2 मई तक आयोजित होगा गोरखपुर विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन। कुलपति राजेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। हटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। 2 की ड्राईक्लीन पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट पुलिस ने मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर सूचना पर एक अभियुक्त को पंत पार्क से आरटीओ रोड के बीच से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अविनाश कुमार यादव पुत्र राम आशीष यादव निवासी जंगल सिकरी सेंट जोसेफ स्कूल के पास थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, स्थायी पता करमहिया जगदीशपुर थाना हाटा जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी का 4 मोबाइल बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में वर्तमान समय में परीक्षाएं प्रचलित हैं। दिनांक 21 अप्रैल व 25 अप्रैल को गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केंद्रों पर खड़ी स्कूटी बाइक की डिग्गी में रखी गई मोबाइल फोन को डिग्गी तोड़कर चुरा लेने के संबंध में थाना कैंट गोरखपुर पर यूपी कॉप के माध्यम से
EFIR व थाना कैंट पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसको देखते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में पेपर देने वाले लड़के लड़कियां अपनी अपनी मोटरसाइकिल व स्कूटी की डिग्गी में मोबाइल फोन रखकर परीक्षा देने अंदर चले जाते हैं। मैं अपनी स्कूटी इन लोगों के खड़े वाहनों के अगल बगल खड़ी करके धीरे धीरे स्कूटी व मोटरसाइकिल की डिग्गी का लॉक खोल लेता हूँ और उसमें रखी मोबाइल को चुरा लेता हूँ। चोरी के मोबाइलों को OLX के माध्यम से ग्राहकों को बेच देता था। 21 अप्रैल को एक मोबाइल मोटरसाइकिल की डिग्गी व एक मोबाइल स्कूटी की डिग्गी से चुराया था एवं दिनांक 25 अप्रैल को एक स्कूटी से दो मोबाइल चुराया था। चोरी करने के बाद पुलिस व पब्लिक की नज़रों से बचने के लिए एक या दो दिन का गैप करके चोरी करने गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्रों पर आता था। आज भी मैं परीक्षा केंद्रों पर खड़ी वाहनों से मोबाइल चोरी करने आया था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय विजय कुमार गौड़, उपनिरीक्षक सुशील कुमार यादव, कांस्टेबल विनय सिंह, शरद यादव, राहुल कन्नौजिया, विनोद कुमार, कांस्टेबल अखिलेश कुमार शामिल रहे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश कुमार सिंह ने प्रशासनिक भवन के हाल में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि 30 अप्रैल से 2 मई तक राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व कुलपति देवेंद्र शर्मा, वरिष्ठ अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह, सचिव केमिकल एंड फर्टिलाइजर RK चतुर्वेदी, सांसद जगदम्बा पाल, हाईकोर्ट के जस्टिस सुशील कुमार राय होंगे। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय इस बार राजनाथ सिंह और देवेंद्र शर्मा के नाम पर 2 स्वर्ण पदक देगा तथा विज्ञान वर्ग के टॉप करने वाले छात्रों को राजनाथ सिंह के नाम पर स्वर्ण पदक दिया जाएगा तथा विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के टॉप करने वाले छात्र को पूर्व कुलपति देवेंद्र शर्मा के नाम से गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुरातन छात्र विश्वविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, छात्र वर्तमान छात्रों के लिए रोल मॉडल होते हैं, इनकी प्रभु हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन के लिए साथ संस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। इस आयोजन के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय पूरी तरह दुनिया में फैले अपने पुरातन छात्रों को जोड़ने की किसी संस्थान की आधारशिला को मजबूत करने में यह एक सुनहरा अवसर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश कुमार सिंह ने कहा, लेकिन वो थोड़ा कम पोस्टिंग करना पड़ा। ये कई हमारा कमीशन खराब है, हम लोग कर रहे थे काफ़ी दिनों से, डेटा बेस उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए, लेकिन अभी काफ़ी इंक्रेज है, 3-4-5 दिन में काफ़ी काम हुआ है। तो एक तो आप जैसा जानते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह जी हैं, एक प्रेस न्यूज लाया जाएगा आपके पास और 11 से 1 दो घंटे का कार्यक्रम हमने प्रपोज किया है। उन्होंने मांगा था कि मिनट ये मैंने भेजा है, इसमें श्री RK चतुर्वेदी जो इवेंटली प्रतायी सेक्रेटरी हैं, जस्टिस अतिथि रहेंगे, जस्टिस सलील कुमार राय भी जस्टिस अतिथि रहेंगे, श्रीता पाल भी जस्टिस अतिथि रहेंगे, श्री कृपा शंकर सिंह भी वशी सब रहेंगे और चीफ गेस्ट हमारे डिफेंस मिनिस्टर और केंद्र सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जस्टिस राहुल चतुर्वेदी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज, जस्टिस अनिल कुमार राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट के इंचार्ज सिटिंग जज, जस्टिस सुरेश चंद्र शर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज, श्री शिव प्रताप शुक्ला जी को MP राज्यसभा, कुंवर दिनेश सिंह IPS फॉर्मर दिल्ली पुलिस उड़ीसा,
प्रोफेसर टी एन सिंह वाइस चांसलर ऑफ बिहार, दूसरा एस पी एम पार्टी वाइस चांसलर अमरकंटक सर्जी मुस्लिम अमरकंटक, प्रोफेसर मोहित मोहन पाठक वाइस चांसलर संस्कृत गांधी गांधी संस्कृत मुस्लिम वैली। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहला पुरातन छात्र सम्मेलन है, तो 3 दिवसीय सम्मेलन है, ये पहली बार यूनिवर्सिटी कर रही है और इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी चीफ गेस्ट रहेंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे और 4 लोग वशिष्ठ अतिथि हैं, प्रोफेसर श्री आर के चतुर्वेदी जी ये सेक्रेटरी फर्टिलाइजर हैं, ये 84 बैच के ऑफिसर हैं, अभी वर्तमान में फर्टिलाइजर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, और सलील राय जी जस्टिस सलील राय जी हाईकोर्ट के जज हैं, जगदम्बिका पाल जी फॉर्मर मिनिस्टर और अभी संसद सदस्य हैं, उसके बाद हरीश कृपा शंकर सिंह जी जो फॉर्मर होम मिनिस्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी, तो ये लोग आ रहे हैं। उसके बाद एक लिस्ट हमने करीब 31 डिस्टिंग्विश अलुमनस अवार्ड की दी है, उसमें जो जजेज हैं हाई कोर्ट के प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं, उसके बाद या फिर राजनाथ सिंह जी हैं जो ये मिनिस्टर्स हैं, हमारे पंकज चौधरी जी का नाम है, हमारे शुक्ला जी सांसद हैं उनका नाम है, तो वो लोग सभी लोग को हम लोग डिस्टिंग्विश अलुमनस अवार्ड से नवाज रहे हैं। सर कितने दिवसीय ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, पहले दिन जो प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा लंच के बाद 3 बजे के बाद, और पहले दिन 3 कार्यक्रम है, एक इंडस्ट्री एजुकेशन इंटरफेस और 2 फैकल्टी वाइज भी 2 फैकल्टी के अलुमनाई मीट होगी, एक कॉमर्स फैकल्टी की एजुकेशन फैकल्टी की जिसको होगी, और बाकी जो फैकल्टी एग्रीकल्चर का है साइंस का है आर्ट्स का है लॉ का है इंजीनियरिंग का है मेडिकल का है वो 1 को लंच के बाद होगी, और डिपार्टमेंटल अलुमनी मीट 2 तारीख को होगी, सारे आप डिपार्टमेंट इन्वाइट करेंगे, फैकल्टी को कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे डीन्स और डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सर विद्यालय के अलावा और कहीं के छात्र भी इसमें नहीं, एकदम बाहर के छात्र आ रहे हैं, 1000 जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें ज़्यादातर बाहर के छात्र हैं, बाहर के काफ़ी उसको देख लेंगे डेटा हम देखते हैं, काफ़ी लोग ये नाम आपको पढ़े हैं सभी बाहर के हैं, कोई भी अभी छात्र नहीं है, तो काफ़ी लोग बाहर के हैं। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विभिन्न कार्यक्रमों में किए शिरकत, गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, शुक्रवार को जनता दर्शन कर दोपहर बाद लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। सीएम योगी ने सहजनवा तहसील अंतर्गत पिपरा में 64,08,00,000 की लागत से 12 एकड़ क्षेत्र में बन रहे अटल आवासीय विद्यालय का किया स्थलीय निरीक्षण, कहा मानक के अनुरूप होने चाहिए कार्य, यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध की जाए कठोरतम कार्यवाही। जिला जेल के पीछे निर्माणाधीन 4 लेन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण, कहा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखते हुए निर्धारित समय में पूरा करें कौआबाग बरगदवा 4 लेन का निर्माण। खोराबार क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड की जांच के लिए एसएसपी ने बनाई एसपी सिटी व एसपी साउथ के नेतृत्व में जांच कमेटी, सभी बिंदुओं पर करेगी जांच, रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी विधिक कार्यवाही। गुरुवार को सेवायोजन कार्यालय गोरखपुर मंडल में फायरिंग करने वाले उसी कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 रिवॉल्वर व 1 खोखा कारतूस 5 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल।
आईसीएसई व सीबीएसई स्कूलों की मान्यता के लिए एनओसी को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की बैठक। बैठक में गोरखपुर मंडल में 3 स्कूलों को दिया गया एनओसी, मंडलायुक्त ने दी जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा केंद्रों पर खड़े परीक्षार्थियों के वाहनों की डिग्गी का लॉक तोड़कर मोबाइलों की चोरी करने वाले एक शातिर चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 4 मोबाइल व स्कूटी किया बरामद, भेजा जेल। और 30 अप्रैल से 2 मई तक आयोजित होगा गोरखपुर विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन। कुलपति राजेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।